जय शनिदेव। ये भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक डेली राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर आज, तो उससे जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। तो आज भगवान भास्कर सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है। शुक्र देवता वृष राशि में यानी अपने स्वयं के घर में विराजमान है। राहु जो महाराज है हमारे, वो मिथुन राशि में विराजमान है। जो केतु महाराज है वो धनु राशि में विराजमान है। शनि देव अपनी स्वयं की राशि मकर में विराजमान है। उनके साथ वहां पर मंगल देवता उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान है और बृहस्पति देवता भी यहीं पर नीच के होकर विराजमान हो रखे हैं। चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है और जो बुध देवता है वह भी मीन राशि में विराजमान है। ग्रह गोचर जैसा कि हमने बताया था आसमान में आज के मतलब हम जो 4:30 बजे की जो जन्म कुंडली बनाते हैं उसके अनुसार आसमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार से थी। तो अब बात करते हैं उन सभी भक्तगणों के लिए जो हमसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमें आप फ्री में कुछ बता सकें पर्सनलाइज वे में। तो ऐसे सभी भक्तगणों के लिए हमने एक मोबाइल ऐप शनि पीठ मंदिर की तरफ से लॉन्च की है। इस मोबाइल ऐप का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और उस लिंक को क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर उस ऐप के अंदर जो स्वामी राजऋषि उनके असिस्टेंट साधक और साधिकाएं हैं वहां जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपनी बर्थ डिटेल्स और अपना फोटो अटैच करके लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपको 1-2 दिनों के अंदर आपकी समस्या का जो हल है वो मिल जाएगा और उनमें से ही कुछ लोग जो हमें लगेगा जरूरी है उनसे हम स्वयं या अपने किसी असिस्टेंट के थ्रू या गुरुमा स्वयं या उनका कोई असिस्टेंट आपसे बात करेगा और आपकी परेशानियों के हल का सॉल्यूशन आपको प्रदान करेगा। तो आप देर मत कीजिए, इस मोबाइल ऐप को अवश्य डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में। और इसके साथ ही मैं आप सभी भक्तगणों से कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से वरदान मिले हुए हैं, जैसे एक वरदान है, क्या यमराज भी आपसे डरते हैं या यमदूत भी आपसे डरते हैं? तो ये एक वरदान है जो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में हमने देखा है। तो ये वरदान की सीरीज के हमने बहुत सारे वीडियो या शाप मतलब आपकी कुंडली जन्म कुंडली में क्या क्या शाप है तो उसके बहुत सारे वीडियो जिनमें से कुछ का टाइटल आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यह टाइटल्स की वाली वीडियो हमारे अपने वीडियो हैं और शायद इस टॉपिक पर किसी और ने इस तरह के वीडियो आज तक नहीं बनाए। तो आप इन वीडियो को जो आपसे संबंधित है आपकी जन्म कुंडली में पता चल सकता है कि आपको भगवान ने कौन सा शाप देकर पृथ्वी पर भेजा है या कौन सा वरदान देकर पृथ्वी पर भेजा है और उसका किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हैं तो इन वीडियो के मार्फत आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो ये सारे वीडियो यूट्यूब पर लोड हो रखे हैं तो आप YouTube से इन सारी वीडियो को वरदान और शाप के नाम से ये वीडियो की सीरीज है तो आप वरदान और शाप डालकर इन वीडियो को ढूंढ सकते हैं गुरु रजनीश ऋषि जी के। उसमें आपको निश्चित रूप से बहुत सारा ज्ञान अर्जित होगा कि किस प्रकार से भी आपकी विदेश यात्रा का या सरकारी नौकरी का या सफल डॉक्टर बनने का या विजयी होने का या कोई बहुत विभिन्न प्रकार का हार्ट अटैक वगैरह की या कैंसर जैसी बीमारी होने का योग है आपकी जन्म कुंडली में या नहीं। तो उसके लिए आप इन सभी वीडियो को देखिए, आपको अवश्य ही पसंद आएंगे और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोस को और हमारे राशिफल के वीडियो को अपने लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन अवश्य दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव के साथ इन वीडियोस को शेयर करना कतई मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज संवत 2077 तारीख 20 अप्रैल
2020 तिथि त्रयोदशी तिथि है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की। आसमान में इंद्र नामक योग बना हुआ है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। आज जो राहु काल रहने वाला है वो सुबह 7:27 से लेकर 9:05 तक राहु काल रहेगा। इस काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कर्मों को वर्जित बताया गया है, तो इस समय कोई भी शुभ कर्म ना करें। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों का समय अच्छा चल रहा है, उनके फेवर में चल रहा है, समय का सदुपयोग कर सकते हैं वृष राशि वाले। किंतु पारिवारिक जनों के साथ कुछ अड़चनें आ रही हैं, उनका आपको विशेष ख्याल रखना है। अन्यथा ये जो परिवार जनों के साथ आपकी जो अड़चन आ रही है वो आपको आपकी आमदनी में नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके लिए आपको व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अपने परिवारजनों को अपने साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध अगेन आपकी आमदनी में आपको फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन संबंधों में आप निश्चित रूप से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाई बहनों की सलाह मानकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। माता के साथ जो आपके संबंध है वहां अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर आपके खर्चे होने की संभावना होती हुई नजर आ रही है, तो आप सावधान रहें, माता का आशीर्वाद लेने पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, वो धन की विस्टेज करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को खराब कर रहे हैं, जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, ऐसे सभी स्टूडेंटों से उनके माँ बाप से कहना चाहेंगे बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर कॉन्टेक्ट करें समय लेकर। हम छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में एक बार करना है उनके द्वारा न सिर्फ आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा अपितु उसके पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और उन युवक युवतियों के माँ बापों से जिनके बच्चे गवर्नमेंट की बार बार तैयारी कर रहे हैं, या उन युवक युवतियों से जो बार बार गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे अगर आपको बार बार निराशा हाथ लगती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, मतलब उसकी जो कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आप किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से कहना चाहेंगे बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क स्थापित कीजिए। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके यह देखना चाहेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है भी या नहीं। वैसे ही आप भूस में लठ बजा रहे हैं जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होना होगा, और अगर योग है मगर कमजोर है तो उस योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी की क्यू में खड़ा किया जा सके, ऐसी व्यवस्था वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा हम आपके साथ कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क स्थापित करें, निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहीं पर उन माँ बाप से भी कहना चाहेंगे जिनकी संतान की बेइज्जती करती है, अपमान करती है, और उन्हें लगता है उनकी संतान की नजर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके धन और संपत्ति पर, ऐसे सभी माँ बाप से कहना चाहेंगे आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा आपको इस बेइज्जती इस अपमान की पीड़ा से बाहर निकालेंगे। हम कोई जादू नहीं करते, टोना नहीं करते, कोई टोटका नहीं करते, प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को धीमे धीमे करके चेंज कर देगा, और आपके जीवन में और आपके संबंधों में, मतलब जो भी आपके संतान के साथ आपके संबंध उनमें खुशहाली प्रदान करेगा। मैं बबीता ठाकुर मयूर विहार फेज 3 से आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड उनके बारे में भी बताना चाहती हूँ। अशोक नगर कोटी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनका जॉब छूट गया था और कोई मार्ग कोई रास्ता नहीं था, 2 महीने वो बैठे भी थे, तो मैं उनको भी लेके आई गुरुजी के पास और मुझे सारी सच्चाई सारी बातें बताई,
तो गुरु माँ ने उनके लिए भी रिंग बना के दिया है और उन्हें भी पहने हुए 2 महीने हो गए। और 2 महीने का रिजल्ट यह है कि आज उनकी जो जॉब छूट गई थी, खुद उनके बॉस ने उनको बुलाया और वो जॉब उनको मिल गई है। तो हमें बहुत फायदा हुआ है यहाँ आके और बहुत विश्वास है गुरुजी और माता रुक्मणी पे। जय शनिदेव। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो स्वास्थ्य भाव में आपको छोटी सी परेशानी होती हुई नजर आ रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मगर अगर आप गठिया रोग से पीड़ित हैं और बार बार डॉक्टरों के से इलाज कराकर या पेन किलर खा खा कर अपना काम चला रहे हैं, तो एक बार हमसे भी एक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय लेके देखें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप हमारी खुद की तरीके से गठिया रोग से मुक्त हो जाए। बात करते हैं जीवन साथी के साथ, आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं आजकल, रह ही रहे हैं। किंतु अगर आप लोगों को लगता है कि आपके और आपके जीवन साथी के संबंध असहनीय हो गए, उन संबंधों में सुधार करना चाहते हैं, तो आप जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी धारण करिए ना। इसे मंत्र से प्राण पति से जागृत कराकर कहेंगे आपको संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही तो स्कीम पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करिए, हम अवश्य आपकी अंगूठी आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं बनवाकर, या घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं ससुराल से संबंधित, अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो हम आपको आगाह कर दें, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बन सकती है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें वाहन दुर्घटना से। और अगर हम बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से, तो भाग्य की दृष्टि से जो आपका समय चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, आपके हित में चल रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। कार्यस्थल के हालात भी आपके अनुकूल हैं, तो आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। आमदनी भी आपको सपोर्ट कर, आमदनी के हालात भी कुछ इंप्रूव होंगे। और अंत में उन संबंधों के बारे में जो प्रेम प्रसंग है आपके, तो उनके बारे में हम कहना चाहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन आ रही है, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में जो निराशा छा रही है, या तीसरे का डर सता रहा है, या कोई और भय है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन सबसे धीमे धीमे करके मुक्त हो सकते हैं और खुशियां आपके गले लग सकती हैं। यहाँ आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करें, हम भरपूर मदद करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा। छोटे से जो आपको साल में एक दो बार ही करने की जरूरत पड़ती है, उन उपायों के द्वारा आपको भरपूर आराम प्राप्त हो सके, भरपूर खुशियां प्राप्त हो सके। हमारे यहाँ किसी प्रकार की बकरों की बलि, मुर्गों की बलि, उल्लू लाने की बात कहकर बेवकूफ नहीं बनाया जाता है, ना ही पूजा पाठ के नाम पर कोई प्रपंच किया जाता है। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन की खुशियां द्विगुणित कर देते हैं, चार गुनी कर देते हैं, 10 गुनी कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी नई ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।